हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको इस नए गौर की सब्जी बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हमने दो चिचिंडा ले लिया है, इसको हमने पहले से धो के रखा है। अब इसका छिलका एक बार उतार के और फिर से इसको धो लेंगे। इसे इंग्लिश में स्नैक गॉर्ड कहते हैं। अब इसका छिलका हम इस तरह से उतार लेंगे। अब हमने इसको छील के धो लिया है। अब ऊपर वाला भाग हम इस तरह से काट देंगे। अब इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। अब इस तरह से हमने काट लिया है। आप चाहे तो इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। तड़का लगाने के लिए हमने लहसुन ले लिया है, दो हरी मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है, एक बड़ी साइज की प्याज है, थोड़ा सा हल्दी है। हम बिना हल्दी के भी बना सकते हैं इसको। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चना हमने बॉयल कर लिया है। आप चाहें तो भीगा चना भी डाल सकते हैं। अब हम पैन को गरम कर लेंगे। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, यानी सरसों का तेल। अब ऑयल गरम हो गया है, इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसमें जीरा ऐड करेंगे और प्याज। अब प्याज हल्की सी भून गई है, इसमें चिचिंडा डालेंगे। हम हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी अच्छी तरह से भून जाएगी। चने को हमने दो सीटी में बॉयल कर लिया है और इसको चना डाल देंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसपे लीड लगा देंगे। तो इसको हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लिया है। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब 10 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पे पका लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।